डायबिटीज़ के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ तो जानते ही होंगे, क्योंकि ये एक ही बहुत आजकल जो है वो एक कॉमन बीमारी हो गई है। डायबिटीज़ या मधुमेह तब होती कहा जाता है जब हमारे रक्त में या ब्लड में शुगर की मात्रा जो है वो नॉर्मल से अधिक हो जाती है। नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होती है शुगर की, वो फास्टिंग होती है 70 से 110 मिलीग्राम प्रतिशत और खाने के 2 घंटे के बाद की होती है 120 से 140 मिलीग्राम प्रतिशत। जब इसका स्तर इससे ऊपर हो जाता है तो पेशेंट को कहा जाता है कि वो डायबिटिक है। इसकी हम एक वैल्यू से नहीं करते हैं, मगर 3 वैल्यू हमें मिलनी चाहिए शुगर की बढ़ी हुई, तब हम उस पेशेंट को डायबिटीज़ के तौर पर लेबल करते हैं। एक और भी तरीका होता है जिसको कि हम कहते हैं HbA1c का मेजर करने के लिए, ये होता है 3 महीने से इसका हमको एवरेज मिल जाता है। जैसे फास्टिंग और पीपी तो किसी भी पेशेंट का बढ़ा हो सकता है, एक दिन पहले जैसे उसने कुछ खाया हो मीठा ज़्यादा तो अगले दिन उसका बढ़ जाए, बट ये 3 महीने का वैल्यू हमको बताता है। तो शुगर का अगर हम या डायबिटीज़ की हम डेफिनेशन देखें तो इसकी यही डेफिनेशन है। ये शुगर हमको कैसे होता है, शरीर में हमारा एक हार्मोन होता है जिसको कि इंसुलिन कहा जाता है और ये पैनक्रियास इसको बनाता है। तो जब हमारे शरीर में या तो इंसुलिन की मात्रा कम बनती है या किसी कारण से इंसुलिन का प्रयोग कायदे से नहीं हो पाता है, और इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो जो हमारे रक्त में या ब्लड में ग्लूकोज होता है वो सेल्स जो होती हैं उसको लेने में मददगार करता है, और इसी जो ग्लूकोज है उससे हमारे शरीर में एनर्जी या ऊर्जा बनती है। तो जब इंसुलिन की मात्रा कम होती है या इंसुलिन सही तरह से काम नहीं कर पाता है तो जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं वो ये ग्लूकोज के अपटेक को नहीं कर पाती हैं, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाती है। डायबिटीज़ के कारण बहुत सारे होते हैं। 2 मेन कारण जो होते हैं वो ये होता है, या तो शरीर में इंसुलिन सही मात्रा में बनती नहीं है जितनी कि हमको चाहिए होती है, और यह होता है कि जो इंसुलिन बन रही है उसका उपयोग जो है वो सही तरह से नहीं हो पा रहा है। तो उपयोग सही तरह से कब नहीं हो पाता है, कई मरीज़ होते हैं जिनको कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम या सिंड्रोम एक्स के होते हैं, मतलब कि जैसे कि बहुत उनका मोटापा है, बैठे रहते हैं, उनकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो इस वजह से जो इंसुलिन है उसका जो उपयोग है शरीर में वो सही मात्रा में नहीं हो पाता है। और इसका रीज़न जेनेटिक भी होता है, जैसे घर में माता पिता या भाई बहन किसी को शुगर है तो जेनेटिक होने का भी कारण हो सकता है। ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है, मगर अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की और जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, या पेशेंट को जैसे कि शुगर नहीं है मगर इम्पेयर्ड शुगर लेवल्स हैं, मतलब अगर हल्की सी बढ़ी हुई है, तब अगर वो मीठा खाते हैं तो वो डायबिटीज़ की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ के कारण यही 2 हैं, एक इंसुलिन का ना बनना और दूसरा इंसुलिन का उपयोग कायदे से ना होना। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ होते तो बहुत सारे हैं, मगर जो मेन टाइप ऑफ डायबिटीज़ हैं जो कि हमको जानने की आवश्यकता है वो है टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होता है जिसको कि हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है। ये अधिकतर किस में होती है, बच्चों में होती है, और इसमें मरीज़ को शुरुआत से ही इंसुलिन की आवश्यकता होती है। ये एकदम क्लासिकल डायबिटीज़ के पिक्चर की तरह प्रेजेंट करता है। इसमें पेशेंट को जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसको पेशाब बहुत ज़्यादा होता है, वज़न कम होता है, तो ये बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो जनरली अडल्ट्स में या बड़े लोगों में होती है, और इसमें जो है ये ज़्यादातर डिटेक्ट कैसे होती है, एक्सीडेंटली होती है। जैसे पेशेंट आया अस्पताल में किसी और वजह से, जैसे उसको कोई ऑपरेशन करवाना है या उसने अपना रूटीन ब्लड चेकअप करवाया, तो उसमें पता चलता है कि उसका शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है शरीर में। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो कि अडल्ट्स में होती है, और इसका कारण ज़्यादातर होता है या तो ये जेनेटिक होती है, या फिर जैसे पेशेंट की एक्टिविटी लेवल बिल्कुल नहीं है, बैठा रहता है। जैसे आजकल के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, टाइम नहीं है किसी के पास, वो ऑफिस में बैठे रहते हैं या कंप्यूटर पे या लैपटॉप में, या बच्चों में भी ऐसा होता है कि वो टीवी पर बैठे रहते हैं तो उनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो जब वो बड़े होते हैं तो उनको जाकर शुगर डेवलप होने की संभावना ज़्यादा होती है। और तीसरा जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो होती है जो कि
महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, ये पहले नहीं होती है, मगर जब प्रेगनेंसी होती है तब जो डायबिटीज़ डेवलप होती है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये क्यों होती है? क्योंकि जब महिला गर्भवती होती है तो जो बच्चा होता है उसकी वजह से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि इंसुलिन के काउंटर रेगुलेटरी होते हैं, उसकी वजह से जो है वो शुगर बढ़ जाती है। और क्योंकि बच्चा भी को भी एनर्जी चाहिए और उसको भी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन चाहिए, तो इसकी वजह से जो डिमांड हो जाती है इंसुलिन की वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो है वो प्रेगनेंसी में कई बार डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। और अक्सर ये क्या होता है, अधिकतर क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो ये डायबिटीज़ अपने आप ठीक हो जाती है। डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं जैसे कि प्यास बहुत ज़्यादा लगना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, पेशाब बहुत ज़्यादा आना, वज़न कम होना, थकावट होना, कोई भी अगर चोट लग जाए जैसे तो वो ठीक ना होना, ये सब लक्षण होते हैं। मगर बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई भी लक्षण ना होने पर भी डायबिटीज़ होती है। और ये कैसे पता चलता है? जैसे जब मरीज़ अस्पताल आया तो उसका रूटीन चेकअप हुआ तो उसमें पता चला। तो डायबिटीज़ लक्षणों के साथ भी हो सकती है और बिना लक्षण के भी हो सकती है। और ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड वो लोग होते हैं जिनकी की फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि जेनेटिक होती है। तो इसलिए जो है ब्लड शुगर रूटीनली जो है वो एक बार साल में करवाते रहना चाहिए। डायबिटीज़ का इलाज जो है वो आजकल तो बहुत ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट्स हो गए हैं। और बेसिकली जो डायबिटीज़ का इलाज होता है वो ओरल मेडिसिंस भी होती हैं, इंसुलिन भी होती है, और बहुत एंड स्टेज में पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। तो ओरल मेडिसिंस में अगर हम देखें तो बहुत सी नई दवाइयाँ भी आई हैं जिससे कि मरीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। और इंसुलिन भी अलग अलग तरह की हैं। पहले इंसुलिन ऐसी होती थी खाली कि अगर उसको लें और तुरंत खाना नहीं खाएं तो शुगर लेवल एकदम कम हो जाते थे। अब अनेक प्रकार की इंसुलिन आई हैं और काफ़ी ऐसी इंसुलिन भी हैं जो कि पूरा 24 घंटा एक्ट करती हैं। कुछ ऐसे इंजेक्शन भी हैं या कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो हफ्ते में एक बार भी दी जा सकती हैं। ये सब आपको जो है ये डॉक्टरी परामर्श के बाद ही इलाज शुरू होता है, और जो दवा जिस मरीज़ के लिए सूट करती है उसको उस हिसाब से दवा दी जाती है। इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ के इलाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इसको लेकर जनरल पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा मिसनॉमर है, मतलब कि गलत धारणाएं हैं, जो कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर एक बार इंसुलिन शुरू करी जाएगी तो ज़िंदगी भर इंसुलिन चलेगी, या कुछ लोग ये समझते हैं कि इंसुलिन जो है वो सबसे आखिरी इलाज है और अगर इंसुलिन शुरू करी जा रही है तो अब इसके बाद कोई और इलाज नहीं है और उनका अंत है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम देखें तो इंसुलिन जो है, जो चीज़ हमारे शरीर में नहीं बन रही है उसी चीज़ को हम बाहर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ का वो इंसुलिन है। मगर मरीज़ जो है वो सुई लगाने से डरता है। मगर ये अगर हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं पेशेंट को तो डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सही इलाज है, क्योंकि इसका पहले तो ये जो चीज़ शरीर में नहीं है उसको हम बाहर से सप्लीमेंट कर रहे हैं, दूसरा इंसुलिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी कुछ भी हम दवाई देंगे तो जैसे मरीज़ का पेट फूलना, उसको कॉन्स्टिपेशन की या पतले दस्त होने की प्रॉब्लम या और कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, बट इंसुलिन ही एकमात्र ऐसा इलाज है जिसकी वजह से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और इंसुलिन से शुगर जो है वो कंट्रोल बिल्कुल कायदे से हो जाती है और उसकी डोज़ हम बड़ी आसानी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आजकल जो इंसुलिन है वो पहले की तरह के नहीं है। आजकल इंसुलिन की थेरेपी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि इंसुलिन अगर हम देते हैं तो एकदम से शुगर लेवल कम हो जाती है, या हमको खाने के तुरंत पहले लगानी है और लगाने में कोई दिक्कत है, क्योंकि इंसुलिन की पेन डिवाइसेस जो हैं वो इतनी अच्छी हैं कि सुई जो यूज़ होती है वो इतनी पतली होती है कि पता भी नहीं चलता है कि कैसे इंसुलिन लग रही है। अगर शुरुआत में ही शुगर लेवल्स बहुत हाई होते हैं तो हम इंसुलिन से जब शुरू करते हैं तो पेशेंट का लॉन्ग टर्म जो डायबिटीज़ कंट्रोल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, या जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है, तो इसमें इंसुलिन का बहुत अच्छा उपयोग होता है। जैसे पेशेंट को किसी सर्जरी कोई उसकी सर्जरी होनी है तो इसमें हम शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा इंसुलिन से कर लेते हैं,
फिर बाद में उसको दवाइयों पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं या परिस्थितियाँ होती हैं जब हम पेशेंट को इंसुलिन देते हैं। तो ये जो धारणा है कि इंसुलिन आखिरी इलाज है, ऐसा नहीं है, और इंसुलिन एक बहुत ही अच्छा इलाज है शुगर में। डायबिटीज़ से बचाव के मेन तरीके ये हैं कि हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। जो आजकल के ज़माने में एकदम फास्ट लाइफ है कि सुबेरे उठे, एकदम काम पे चले गए, दिन भर काम और काम का स्ट्रेस और बैठे रहना, ये सब हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे लिए नित्य व्यायाम करना वो अति आवश्यक है। कम से कम रोज़ का आधा घंटा से 45 मिनट जो है वो किसी भी फॉर्म में फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे वॉकिंग करना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना या स्विमिंग करना, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा, वज़न को कंट्रोल में रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, जो भी फास्ट फूड्स खाए जाते हैं वो एक तो हमारे लिए जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट उनमें होता है वो बहुत मतलब घातक होता है हमारे शरीर के लिए, प्लस जो फास्ट फूड होते हैं उसकी वजह से डायबिटीज़ का जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं पॉपुलेशन में। और तीसरा जो है, जो स्ट्रेस लेवल्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको मतलब अपने टारगेट्स मीट करने हैं और इतना काम करना है, तो जो स्ट्रेस लेवल्स हैं आजकल और न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से काम का जो बोझ है और प्लस जो मेंटल स्ट्रेस है उसकी वजह से डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत होती है। तो हमको क्या तीन चीज़ों को कंट्रोल करना है, अपने तन को, मन को एंड प्लस जो है हमारी डाइट को। इन तीनों चीज़ों को अगर हम संयमित रखेंगे तो हमको डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत कम होती है। डायबिटीज़ का कंट्रोल करने के तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले तीनों ही जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खाली अगर हम दवाई खा लेंगे तो हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी या डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। तीनों ही चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो सब ज़रूरी हैं और बराबर मात्रा में ज़रूरी हैं। जैसे सबसे पहले पेशेंट का जो आहार है, मतलब जो डाइट है, वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे उसको डॉक्टर ने या डाइटिशियन ने बताया है उसको नियमित आहार उसी हिसाब से खाना चाहिए। फिर डाइट ज़रूरी है, जैसे एक तिहाई कंट्रोल करती है डाइट, एक तिहाई कंट्रोल करती है फिज़िकल एक्टिविटी, आधा घंटा से 45 मिनट फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इसमें अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पर जैसे आपको गाड़ी से जाना है तो आप उतनी दूर पैदल चले गए, जैसे अपने गाड़ी आपने पार्किंग में थोड़ी दूर रखी तो उतना डिस्टेंस आप चल के गए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो उनको अपने डेस्टिनेशन से सबसे नज़दीक पार्किंग लॉट मिलता है वहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं, मगर सबसे दूर आप खड़ी करें तो कम से कम उतनी दूर आप चल के जाएंगे। इसी तरह जैसे स्टेयर्स हैं तो अक्सर लोग लिफ्ट को यूज़ करते हैं, मगर स्टेयर्स को यूज़ करें तो कम से कम उतनी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। डाइट हो गया एक, फिज़िकल एक्टिविटी हो गया, और तीसरा है दवाइयाँ। तो जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड हैं और जब जब आपको फॉलोअप के लिए डॉक्टर बुलाते हैं तब तब आप अगर आप रेगुलर अपने उसमें रहेंगे तो आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल रहेगी।